आज कहानी एक ऐसे बाबा की जिसने लोगों के विश्वास के नाम पर उनकी जेबों को भर भर के लूटा। तेलंगाना पुलिस की गिरफ्त में आया एक फर्जी बाबा जिस पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का और साथ में कई महिलाओं को भ्रमित करके उनके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप है। नालगोंडा पुलिस ने इस फर्जी बाबा को उसके 3 साथियों समेत रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार नालगोंडा के आजमापुरा गांव में ये बाबा श्री साई सर्व समूह साई मानसी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर आश्रम चलाता था, जहां पर ये मासूम भक्तों को अपने चुंगल में फंसाकर उनसे काफी रुपए ऐंठता था। इतना ही नहीं, कई महिलाओं के साथ साई प्रवचन के नाम पर करीबी रिश्ता बनाता था और उनका शोषण करता था। पुलिस के मुताबिक ये फर्जी बाबा अमीर लोगों को फंसाता था। उन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसाकर पूजा शांति कराने के लिए उन्हें नकली यंत्र और जंगली जड़ी बूटियां देकर उनसे रुपये, सोना और गहने लेता था। ये फर्जी बाबा गैर कानूनी तरीके से लोगों को ठग कर कमाए रुपए से जमीन जायदाद भी बनाता था। DIG रंगनाथ ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगाम का रहने वाला ये बाबा डिग्री पूरा करने के बाद साल 2002 में हैदराबाद के शिवम रोड में एक कंप्यूटर सेंटर लगाकर अलग अलग तरीके से लोगों को ठगकर करीब 1 करोड़ रुपए उधार लेकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि नामपल्ली पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। 20 दिन जेल में रहकर बेल पर ये बाहर आया था। उसके बाद साई भक्त बनकर साई बाबा की जीवनी पर टीवी चैनलों पर प्रवचन देता था। 2017 में इसने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया था, जिसमें प्रवचन देकर ये मासूम भक्तों को आकर्षित करके उनसे मिलकर पैसे ऐंठता था। पुलिस ने उसके पास से 26 लाख रुपए, 500 ग्राम सोने के आभूषण, 1 करोड़ 50 लाख रुपए के 3 फिक्स्ड डिपॉजिट, 17 एकड़ जमीन के कागजात, 7 लैपटॉप, 4 सेलफोन और 1 कार जब्त की है। फिलहाल ये शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।